एवरीवन, भारत के सभी लोग अपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो रनिंग, रेसलिंग या बैडमिंटन जैसे अन्य खेल में हो। माता पिता अपने अपने बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। यदि बच्चे की रुचि एक रेसलर बनने में है और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचना है, तो यदि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। परंतु कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गाँव में रहते हैं, उनमें भी एक जज्बा होता है, उनकी भी रनिंग और रेसलिंग जैसे खेलों में रुचि होती है। उनके माता पिता भी उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, परंतु वह कठिन परिश्रम से उनके लिए ज़रूरत की राशि जमा करते हैं ताकि वह अपने लक्ष्य में आगे बढ़ सके। साथ ही उन्हें सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होती है जिससे वह आगे बढ़ सके। ठीक इसी तरह हरियाणा राज्य का भी एक खिलाड़ी है और वो है वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह गुड़गांव का यह स्कूल देखने आए, आइए देखते हैं। मैं वीरेंद्र सिंह हूँ, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। गुड़गांव के इस बधिर स्कूल में मैं पहली बार आया और मुझे यहाँ आकर बहुत आश्चर्य हुआ। मेरी मुलाकात इस स्कूल की प्रिंसिपल से हुई और मेरी आवभगत करने के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस स्कूल के बच्चों का हौसला देखकर और यहाँ के शिक्षकों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ के हॉस्टल में बच्चों के रहने तथा खान पान की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, जिसे देखकर मुझे खुशी हुई। यहाँ की प्रिंसिपल से मुझे जानकारी मिली कि यहाँ बिजली एवं आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैंने आज स्कूल को पहली बार देखा और मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ एक छोटे से कार्यक्रम में मैंने बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए कहा कि अगर उन्हें रेसलिंग, रनिंग या किसी भी अन्य खेल में रुचि है तो उन्हें उसमें ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। बचपन में जब मैं करीब 10 साल का था, उस समय सभी बच्चों की रुचि जैवलिन थ्रो, चेस, रनिंग जैसे अनेक खेलों में हुआ करती थी। शिक्षकों ने हमें अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना सिखाया और मैंने उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का पालन किया। ठीक उसी तरह आप सभी को करना है। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना है, उनका निरादर नहीं करना है। कोशिश करने से पहले ही हार नहीं माननी चाहिए, आपको हमेशा प्रयास करते रहना होगा जिससे आपके माता पिता को आप पर गर्व महसूस हो। आप सभी बच्चों को अपने शिक्षकों का शुक्रगुजार होना चाहिए। आप सभी बच्चों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यदि आप रेसलिंग, रनिंग जैसे अन्य खेल में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ेंगे तो सरकार द्वारा आपको अनेक उपलब्धियां हासिल होंगी। सभी अपने लक्ष्य में आगे बढ़ें। आने वाले समय में मैं आपको इस विषय पर जानकारी देते रहूंगा। इसके साथ ही आपको पढ़ाई पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है, जिससे आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। नमस्कार।